नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। लखनऊ में आयोजित हो रहे 3 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दूसरे दिन 13 सत्र चले। दूसरे दिन इस कार्यक्रम में शिरकत करने सीएम योगी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समेत यूपी सरकार के मंत्रिमंडल के कई नेतागण शामिल हुए। वहीं आज कार्यक्रम से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने विदेश आए प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने प्रतिनिधि मंडल के सदस्य को ODOP उत्पाद भी भेंट किया। दूसरे दिन इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यूपी का जमकर बखान किया। इतना भव्य ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट लखनऊ में आयोजित किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मैं बधाई देना चाहता हूं। इनके नेतृत्व में हमारा उत्तर प्रदेश जहाँ एक तरफ जो जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी ने मुझे दी है नागर विमानन क्षेत्र की उड़ान की, वैसे ही उत्तर प्रदेश उड़ान की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। वो ऊंचाइयां केवल नागर विमानन क्षेत्र में नहीं, जहां 13 वर्तमान के एयरपोर्ट्स हैं, 8 और एयरपोर्ट्स हम स्थापित। आपने सुना कि इस आयोजन में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने क्या कुछ कहा, वहीं इस समिट में शामिल हुए यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने क्या कहा। एक ऐतिहासिक आयोजन है, आइए आपको सुनाते हैं। ऐतिहासिक आयोजन है जो उत्तर प्रदेश को कंप्लीट ट्रांसफॉर्म करेगा और मैं समझता हूँ कि इंडस्ट्री से सबसे ज्यादा रोजगार सृजन की संभावना है। उत्तर प्रदेश आने वाले वर्षों में जिसकी कोई उम्मीद नहीं करता था, जो कभी बीमारू प्रदेश कहलाता था, अब सर्वोत्तम प्रदेश बनेगा। वही MSME मंत्री राकेश सचान ने प्राइम टीवी से इस आयोजन पर चर्चा की है, चलिए सुनते हैं कि क्या कुछ उन्होंने कहा है। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे हैं। आपको बताएं कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आज दूसरा दिन है, तमाम जो मंत्रीगण हैं, नेतागण हैं, वो यहां पहुंचे हुए हैं। कितना लाभदायक ये आयोजन हो रहा है और आम जनता कहीं ना कहीं जो खासकर युवा आशा अपेक्षा लगाकर बैठा है कि इस कार्यक्रम से रोजगार मिलेगा और प्रदेश को विकास की रफ्तार। देखिए, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो 10 से 12 ये चल रही है, ऐतिहासिक है और अब तक के इतिहास में ऐसा माहौल कभी भी उत्तर प्रदेश में नहीं बना। ये इन्वेस्टर समिट देश दुनिया से भी लोग आए हैं और इसको जन जन तक जोड़ने का काम सरकार ने किया है। पहले पूरी दुनिया में लोग गए, 19 देशों में सारे ग्रुप के लोग, फिर देश के 10 बड़े शहरों में गए जहां मुख्यमंत्री जी मुंबई गए, उसके बाद 75 जनपदों में इन्वेस्टर समिट का प्रोग्राम हुआ और आज उसी का नतीजा है कि इसमें जो टारगेट था सरकार का उससे कहीं दूना इन्वेस्टमेंट 32 लाख करोड़ का से ऊपर का आने का जो यहाँ पर सफलता मिली है, इसके लिए मैं बधाई देता हूँ। यहाँ जितने भी इन्वेस्टर लोग आए हैं जिन्होंने बढ़ चढ़ करके इस समिट में हिस्सा लिया और अपना निवेश उत्तर प्रदेश में लगाने का और उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करने की जो इच्छा जताई है वो बधाई के पात्र। सूक्ष्म एवं लघु विभाग आपके पास है, इस क्षेत्र में क्या योगदान रहेगा MSME के तौर पे? देखिए, MSME सेक्टर में भी लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का MOU हुआ है जिसमें लगभग 8,590 इकाइयों ने सीधे MOU किया है और इस तरह से 96 लाख इकाइयाँ पहले थी और लगभग 9,000 इकाइयाँ फिर आ रही हैं और निश्चित तौर पर MSME सेक्टर में एक बड़ा तरीके से बड़ी बृहद तरीके से, चूँकि हमारी जो पॉलिसी हैं और कानून व्यवस्था इनको देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की संभावना उत्तर प्रदेश में है। ये थे उत्तर प्रदेश सरकार के MSME मंत्री राकेश सचान, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इस आयोजन से कहीं ना कहीं प्रदेश के विकास में रफ्तार आएगा और युवाओं को रोजगार मिलेगा। MSME सेक्टर एक बेहतर कहीं ना कहीं काम करते हुए वो भी वहां से भी रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे युवाओं को। कैमरामैन विजय के साथ विभांशु, प्राइम टीवी लखनऊ। इन्वेस्टर समिट के दूसरे दिन मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र शामिल होने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि निवेशकों के उत्साह से साफ नजर आ रहा है कि ये परियोजना जमीन पर उतरती है तो निश्चित रूप से बड़ा बदलाव आएगा। कितना इम्प्लॉयमेंट आएगा,
कितना लोगों की इनकम बढ़ेगी, और जब इनकम बढ़ेगी तो आप देखिए एक पॉजिटिव साइकिल, एक इसको जो है वर्चुअल साइकिल कहते हैं कि जब इनकम बढ़ेगी तो लोग और ज्यादा खरीदेंगे, जब और ज्यादा खरीदेंगे तो डेफिनेटली और भी ज्यादा यहाँ पे प्रोडक्शन होगा। तो उत्तर प्रदेश एक हब के रूप में तमाम सारी हमारे उद्योग हैं। अभी देखिए ई मोबिलिटी के सेशन में हमारे माननीय गडकरी जी ने किस प्रकार से बातें की, कितनी बेहद संभावना हमारे प्रदेश में ई मोबिलिटी को लेकर के, एथेनॉल का प्रोडक्शन इतना ज्यादा हमारे यहाँ और एथेनॉल को उसको लेकर के, तो हर क्षेत्र में आप पर्यटन का क्षेत्र ले लीजिए, आप हमारा मोबिलिटी का क्षेत्र आप ले लीजिए। मालूम हो कि इस आयोजन में तमाम दिग्गज लोग शामिल हो रहे हैं। इस दौरान लघु उद्योग भारतीय के संयोजक हमारे संवाददाता रितेश श्रीवास्तव ने खास बातचीत की है। उत्तर प्रदेश में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया है, इससे हमारे विशेषकर युवाओं की संख्या मैं देख रहा हूँ। युवाओं में जहाँ एक पहले प्राथमिकता पर नौकरी ढूंढने की मानसिकता रहती थी, आज युवा जो है उद्योग लगाने के लिए सोच रहा है, वो स्वयं उद्योग लगाएगा, स्वयं रोजगार प्राप्त करेगा और अन्य लोगों को भी रोजगार देगा। जहाँ युवा रोजगार स्वयं ढूंढने के लिए परेशान रहता था, वो आज लोगों को युवा अपना उद्योग लगा के लोगों को रोजगार देने के लिए सक्षम महसूस कर रहा है। और वर्तमान सरकार की कानून व्यवस्था को देखते हुए अन्य प्रांतों से भी लोग यहाँ व्यवसाय करके अपना उद्योग लगाना चाहते हैं। पहले लोग डरते थे, पहले अगर 50 करोड़ का इन्वेस्ट करने का काम करते थे तो उसको लोग छुपाए रहते थे, वो डरते थे कि कहीं मैं 50 करोड़ का एमओयू साइन करने का बात मीडिया के माध्यम से या कहीं चली गई तो कहीं कोई गुंडा माफिया हमसे ना 5 लाख मांग ले, इसलिए वो 50 करोड़ लगाता था तो 50 लाख बताता था। आज क्या है कि आज लोग खुलकर बोल रहे हैं, जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं उतना बता रहे हैं, और विद्युत व्यवस्था और कानून व्यवस्था बेहतर होने के नाते अब उद्योग के प्रति लोगों की जागृति बढ़ी है। और इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से जनपद प्रत्येक जनपदों में बहुत से लोग उद्योग लगाने के लिए मुसाइन किए हैं। निश्चित रूप से रोजगार बढ़ेगा, लोगों में जागरूकता आ रही है, लोग आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। और मेरा ये कहना है कि जिस देश का उद्यमी मजबूत होता है उस देश की आर्थिक व्यवस्था अपने आप सुदृढ़ होती चली जाती है। क्योंकि जापान देख लीजिए या जो भी पड़ोसी देश हैं उनको देखेंगे विकसित देशों में, तो उनके पीछे उद्यमी के ही रीढ़ की हड्डी का काम कर रही है, जिससे कि उनकी आर्थिक व्यवस्था मजबूत है। तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।